Down the ages past, Allah sent his messengers to deliver humankind from darkness to light. That's also the ongoing mission of Islamic Research Foundation, or IRF, spreading the truth of Allah's final message to mankind. Founded in 1991, IRF today offers some of the best services and facilities in the world for presenting an understanding of Islam in an objective and scientific way. Its programs are primarily focused on correcting misconceptions and promoting understanding of Islam. IRF also imparts Dawah training to Da'is to aptly convey the message of Islam. Dr. Zakir Naik, president of IRF, reaching out across countries worldwide, from America to Europe to Africa to Asia to Australia, strives to clarify Islamic viewpoints. He dispels the many media myths and anti-Islamic prejudices propagated the world over by anti-Islamic forces. IRF today is creating a change in the hearts and minds of millions of Muslims and non-Muslims worldwide towards a proper understanding and respect for Islam. Have a question or doubt about Islam and its teachings? Now you know, one of the best resource centers to get convincing answers from is Islamic Research Foundation, Mumbai, India. For more information, log on to our website www.irf.net. इंसान खसारे में है। इस्लाह के मानी होती है मरम्मत करना, सुधारना। सबसे मुश्किल मशीन इंसान है। ये जिंदगी आखिरत के लिए एक इम्तिहान है। एक मुसलमान अच्छा मुसलमान हो ही नहीं सकता तब तक जब तक वो अच्छा इंसान है। जब अल्लाह साथ है तो किससे डरना। भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। सबसे बेहतरीन प्लानर अल्लाह है। जब हक बातिल से टकराती है, बातिल का सर्वनाश हो जाता है। وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ قد أتانا الرسول هاديا للعقول رب تمم لنا أمرنا بالقبول अब हम सवाल और जवाब का सेशन शुरू करते हैं। मेरी गुजारिश ये है कि माइक पर हमारे रजाकार जो हैं वो कोशिश करें कि पहले सबसे पहले नॉन मुस्लिम जो हमारे गैर मुस्लिम भाई आए हैं उनको तरजीह दें, साथ ही साथ जो ईसाई भाई हमारे हैं पहले उनको सवाल करने का मौका दें। और सवाल करने से पहले जो सवाल करने वाले हमारे भाई हैं वो अपना नाम और अपना पेशा बताना न भूलें। माइक नंबर एक पर जो भाई सवाल करना चाहें वो फौरन सवाल करें। गुड इवनिंग, आई एम प्रिंसिपल राम शिंदे, रिटायर्ड। आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन। जैसा कि आपने अभी कहा कि हिंदू मजहब हो, इस्लाम मजहब हो या ईसाई मजहब हो, उन सब में बहुत सी समानता है, इक्वालिटी पाई जाती है। फिर भी इन मजहब को लेकर सदियों से संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट और मनमुटाव क्यों? इस संदर्भ में मेरा मानना है कि
यदि मुझे भी आपको चाहिए तो इंसानियत, इंसानियत एंड नथिंग बट इंसानियत, दैट इज मानव धर्म। यह एक नया जमाने की नई तकाजा है, इस पर आपकी क्या राय है? हमारे हिंदू भाई ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि ईसाइत में, इस्लाम में, हिंदू धर्म में काफ़ी इंसानियत है, फिर भी संघर्ष है, हमेशा लड़ना झगड़ना। हम सिर्फ मानना चाहे इंसानियत, हम मानना चाहे ह्यूमैनिटी, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ ये किताब इंसानियत किसने लिखी? क्या पाते कोई किताब जिसका नाम इंसानियत है? इस्लाम में एक मुसलमान अच्छा मुसलमान हो ही नहीं सकता तब तक जब तक वो अच्छा इंसान नहीं। अगर मुस्लिम अच्छा इंसान नहीं तो मुस्लिम हो ही नहीं सकता। अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है। आप कह रहे हैं कि स्कूल 10th स्टैंडर्ड पास करो, मैं कह रहा हूं ग्रेजुएशन करो। तो इंसानियत इज 10th स्टैंडर्ड, इस्लाम इज ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एकदम। इस किताब कुरान में आप एक भी आयत नहीं दिखा सकते जो इंसानियत के खिलाफ है। मैं जानता हूं कई दुश्मन इस्लाम, क्रिटिक्स ऑफ इस्लाम ने किताबें लिखी इस्लाम के खिलाफ, क्योंकि उन्हें इस्लाम का इल्म नहीं है। कुरान मजीद की एक भी आयत आप मुझे दिखा नहीं सकते जो इंसानियत के खिलाफ है। वो इंसानियत के बारे में कह रहा है। आप अगर जाएंगे कोई जंगल में और आप फल खाना चाहते हैं, आपको पता नहीं कौन सा फल जहरीला है क्या नहीं, तो आप पूछेंगे ना किससे? किससे तो पूछेंगे भाई कौन सा जहरीला है क्या नहीं। आप खुद अगर कोशिश करेंगे तो बहुत जल्दी आप गलत फल खा के मर जाएंगे। आप जब बीमार होते जाते डॉक्टर के पास, सही? तो इसी तरीके से अल्लाह सुभाना व तआला खुदा ने इंसानों को बनाया है। खुदा से बेहतर कौन जानता है जिंदगी किस तरीके से जीना चाहिए? खुदा दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर, सारे डॉक्टर को इकट्ठा करेंगे, उससे बड़ा डॉक्टर है हमारे बनाने वाला। तो हमें यह तहकीक करना चाहिए कि हमारे बनाने वाला, हमारा खालिक, हमारा खुदा किस तरीके से जिंदगी हमें चाहता है कि गुजारे। तो मैं ये कहता हूं कि आप कम से कम ये मानिए कि एक किताब, कम से कम एक किताब खुदा की तरफ से 100% सही है। हिंदू कहेगा मेरी वेदा खुदा की किताब है, ईसाई कहेगा बाइबल, मुस्लिम कहेंगे कुरान। फिर मैं कहता हूं जो चीज इन तीनों किताबों में यकसा है कम से कम उस पर तो अमल करो। जो इख्तिलाफ है, इख्तिलाफ होते हैं, मैं नहीं कहता हूं कि सारी चीजें यकसा है, इख्तिलाफ चीजों को बाजू रखो, कम से कम जो यकसा है उसके ऊपर तो अमल करो। जितने अहम मजाहब है दुनिया में सब में लिखा है कि खुदा एक है, बुत परस्ती हराम है, पैगंबर आने वाले है, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये दुनिया एक इम्तिहान है आखिरत के लिए, कम से कम इसके ऊपर तो अमल करो। कम से कम हम आज वादा करें कि खुदा के अलावा किसी और की इबादत ना करे, एक खुदा की, बुत परस्ती ना करे, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में माने। सैकड़ों हवाले है वेदा में जिसमें लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले है, बाइबल में भी लिखा है। तो मैं ये कह रहा हूं कम से कम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो मानो। इख्तिलाफ चीजों को बाजू रखो। इस तरीके से कम जो हमारा बनाने वाला, हमारा खुदा हमसे चाहता है, यही सही इंसानियत है। मैंने तस्करा किया था, वेदा में लिखा है, बाइबल में लिखा है, कुरान में लिखा है, शराब मत पियो, शराब मत पियो क्यों? अभी डॉक्टर क्या कहता है, छोड़ो हमारा बनाने वाला जानता है शराब पी जाएंगे तो आप भाग जाएंगे, गलत काम करेंगे, आपको इतने बीमारियां होंगे, सिरोसिस ऑफ लिवर, कैंसर ऑफ द इसोफेगस, कैंसर ऑफ द लिवर, डैमेज ऑफ द ब्रेन, सैकड़ों बीमारी होते। तो जब हमारे बनाने वाला कह रहा है वेद के अंदर, बाइबल में, कुरान में, शराब छोड़ दो, शराब छोड़ दो, झगड़ा क्या इसमें, तो भी लोग शराब पीते। तो मैं ये कहता हूं जो यकसा है, सबसे अहम यकसानियत खुदा एक है, बुत परस्ती मत करो, और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मानो और उसका कहना मानो। इतना अगर आप करेंगे तो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह इस दुनिया से नफरत हट जाएंगी और सिर्फ अमन रहेगा। अगला सवाल इस तरफ से करें, माइक नंबर 2 से। सलाम अलैकुम, मैं सांगली से मंदर काटकर
मेरा व्यापार है बैग बनाने का, जब मराठी बोलते जो चलता है तो बोलिए बोलिए मराठी में बोलिए। हाँ, पैगंबर ज्यावेळी कुरान एवढं व्यवस्थित आहे सगळं, मग ज्यावेळी मोहम्मद पैगंबर आले त्यावेळीच कुराणाचं हे उघड झालं, ह्याच्याबद्दल काय लावून दिलं नाही? मैं मराठी समझता हूँ अलहमदुलिल्लाह, लेकिन मैं रीचेक किया हूँ क्या सही समझ रहा हूँ क्या नहीं। मैं अंग्रेजी में महारत रखता हूँ, उर्दू थोड़ी बहुत जानता हूँ, मराठी समझता हूँ, क्योंकि जब मैं मेडिकल डॉक्टरी करता था तो मराठी में पेशेंट आते थे, जो जितने लफ्ज मराठी के मतलब काय त्रास ताप इते का, ये तो अच्छी तरह से जानता हूँ, बाकी चीज़ ज़रा। भाई साहब का सवाल था कि कुरान मजीद नाजिल हुआ जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उसके पहले क्यों नहीं आया? बहुत अच्छा सवाल, बहुत अहम सवाल। मेरा बेटा मुझसे पूछता है, कहता है अब्बा पिता मुझे डॉक्टर बनने का है, आप स्कूल में क्यों डाले, डायरेक्ट मेडिकल कॉलेज में डालिए। भाई पहले तो आप स्कूल में जाइए, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, टेंथ स्टैंडर्ड, फिर कॉलेज, फिर मेडिकल कॉलेज। इसी तरीके से अल्लाह सुबहाना व तआला खुदा जानता है कि इंसान कब समझ सकेगा, तो सबसे पहले उनने वो वही नाजिल की जो इंसान समझ सकता है। फिर इंसान की जब तरक्की होने लगी, अल्लाह सुबहाना व तआला खुदा जानता है कि 1400 साल पहले अभी इंसान ये कुरान को समझ सकेगा। और इसका जिक्र बाइबल में भी है, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 12 और 14 में ईसा अलैहि सलाम कहते हैं, आई हैव मेनी थिंग्स टू से एंड डू यू बट ई कैन नॉट बेयर देम नाउ, मुझे बहुत कुछ आपको कहने का है लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे। फॉर ही व्हेन द स्पिरिट ऑफ ट्रुथ शैल कम ही शैल गाइड यू टू ऑल ट्रुथ, जब वो आएगा रूहे हक वो आपको सच्चाई दिखाएगा। बाइबल में इसका जवाब है, क्योंकि उस वक्त 1400 साल के पहले इंसानियत इस कुरान को मुकम्मल तौर पर समझ नहीं पाती थी। इसीलिए जो अहम है, फंडामेंटल्स है, बुनियादी जो मैसेज है, पैगाम है, वो सारी किताबों में। बुनियादी मैसेज क्या है? खुदा एक है, बुत परस्ती मत करो। उसके पहले शराब हराम कहाँ था कहाँ नहीं था वो इतना अहम नहीं है। अहम है अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, खुदा की इबादत करो। उसके बाद एक पैगंबर आने वाला है, बाकी किताबों में वेद के अंदर, उपनिषद में, बाइबल में, ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट, बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर, सारे किताबों में जो अहम मजाहिब के हैं उसमें लिखा हुआ है खुदा एक है, बुत परस्ती मत करो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाला है। तो अल्लाह ताला जानता है इंसान के बारे में, जिस तरीके से मेरा बेटा जो 11 साल का है अभी मेडिकल कॉलेज नहीं जा सकता है, पहले फर्स्ट करो, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, टेंथ स्टैंडर्ड जाओ, 11, 12, फिर मेडिकल कॉलेज। तो इसी तरीके से अल्लाह जो हमारे बनाने वाला, जो हमारा खालिक है, वो जानता है कब किस चीज इंसान समझ सकता है। तो 1400 साल पहले अल्लाह हमारा खुदा जान गया अभी सही मौका है, आखिरी कलाम कुरान भेजा, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके बाद कोई भी कलाम नहीं आएगा अल्लाह की तरफ से, कोई भी वही नहीं, कोई भी पैगंबर नहीं। अगर कोई कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कि वो पैगंबर है, उसको साइकियाट्रिस्ट के पास जाने का। और ये सिर्फ कुरान में नहीं लिखा है, आपकी किताब में लिखा है, कल के अवतार अंतिम ऋषि है, बाइबल में लिखा है, बुद्धिस्ट किताबों में लिखा है। तो इसीलिए जब वक्त सही था अल्लाह ने सही किताब नाजिल की और आखिरी पैगंबर को भेजा। माइक नंबर 3 से सवाल किया जाए। मेरा नाम रमेश कामले, आई एम अ लेक्चरर इन इंग्लिश। संत कबीरदास जी ने कहा है एक जगह पे, ज्ञानी ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो करे ज्ञान की बात, गधे से गधा मिले तो होवेला था लात। अभी दो ज्ञानी क्या बात करेंगे, पहली तो बात यह है, लेकिन मेरे जैसा अज्ञानी थोड़ा सा आपसे कुछ जानना चाहता है। पहली बात तो ये है, मैं पहले कुछ 4-6 महीने पहले एक पुस्तक पढ़ी है जिसका टाइटल है मराठी में, जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता हूँ, सूफीवाद का अंतरंग, जिसके लेखक है डॉक्टर अलीम वकील, जो कि कुछ लेक्चरर हैं इन पॉलिटिकल साइंस संगमनेर कॉलेज, और उन्होंने उस बुक में क्लियरली ये माना है कि सूफीवाद और मुस्लिम
इस पर बुद्ध धर्म का बहुत प्रभाव है, बुद्ध के विचारों का बहुत प्रभाव है. सो आई जस्ट वॉन्ट टू नो एंड योर आर्ग्यूमेंट इन दैट फेवर. सो इज इट ट्रू और फॉल्स? भाई साहब ने पूछा है कि एक शख्स ने किताब लिखी है और कहा है कि सूफी धर्म, इस्लाम धर्म बुद्ध धर्म से प्रभावित है, इज इट राइट? ये सही है क्या? पहला चीज, इस्लाम को जानने के लिए आपको तहकीक करना चाहिए इस्लाम की किताब के बारे में. सबसे अव्वल किताब है कुरान. जो मैं कहता हूँ इस्लाम में, वो कोई मानी रखता ही नहीं. डॉक्टर जाकिर नाइक की जीरो इन इस्लाम. इसीलिए मैं तकरीर में कहता हूँ कि मैंने कह रहा हूँ कुरान में लिखा है चैप्टर 5:90 में शराब पीना हराम है. जो आप शख्स का जिक्र कर रहे हैं, मैं उनके बारे में कभी पहले सुना नहीं. आपको इस्लाम को जानने का है, कुरान पढ़ो और सही हदीत जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिक्र करती है. कुरान और सही हदीत सिर्फ. इसके बाद जो भी इंसान कुछ भी बात करता है, अगर कुरान के हवाले और सही हदीस के हवाले से करता है तो उसकी बात मानो, अगर नहीं करता है उसको फेंक दो, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लेक्चरर हो. इसीलिए डॉक्टर जाकिर नाइक, मैं खुद शून्य हूं, जीरो. इसीलिए तकरीर में जब मैं इस्लाम की बात करता हूं तो कुरान का हवाला देता हूं, सही हदीस का देता हूं. हिंदुइज्म की बात करता हूं, वेद का हवाला देता हूं, उपनिषद का देता हूं, क्रिश्चियनिटी का करता हूं, बाइबल का देता हूं. जो आप जिक्र कर रहे, जो किताब का, मैं कभी पहले सुना नहीं हूं, लेकिन इस बात को मैं मानता हूं, ये कहता हूं कि बुद्ध धर्म और इस्लाम में यकसानियत है. लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, इस्लाम मजहब नया मजहब नहीं है, बुद्ध धर्म से पहले आ चुका है. और तकरीर के पहले मैंने कहा हूं, लोग को गलत फहमी है कि इस्लाम 1400 साल पहले वजूद में आया. नहीं, वो बहुत पहले से, इंसान जमीन पे कदम रखने से पहले. आदम अलैहि सलाम ने पैगाम दे इस्लाम का, नूह अलैहि सलाम ने दिए इस्लाम का, मूसा अलैहि सलाम ने दिए इस्लाम का, ईसा अलैहि सलाम ने इस्लाम का, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम का. तो लोग को गलत फहमी है कि इस्लाम 1400 साल पहले आए. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बानी नहीं है, आखिरी पैगंबर है. तो इस्लाम बहुत पहले से है, बुद्ध धर्म से पहले. कुछ लोग कहते हैं कि क्या बुद्धा अल्लाह के पैगंबर है, उनका नाम से जिक्र कुरान में नहीं है. तो मैं नहीं कह सकता हूं है क्या नहीं, हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, मैं नहीं जानता हूं. लेकिन अगर है भी तो उस वक्त के लिए थे, उन लोगों के लिए. कुछ बातें यकसा होंगी, कुछ बातें, और मैंने उसके पर तकरीर की है. उसका मतलब यह नहीं कि इस्लाम उससे प्रभावित है. तो मैं ये कहता हूं कि अगर मान भी लोग के गौतम बुद्ध खुदा के पैगंबर थे, वो उस वक्त के लिए थे, उन लोगों के लिए थे, आज के लिए नहीं. आज हमें मानना चाहिए आखिरी कलाम कुरान और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सारे इंसानियत के लिए, चाहे आप हिंदुस्तान में रह रहे, अमेरिका में या इंग्लैंड में. अभी बहनों के शोबे से सवाल किया जाए, माइक नंबर 4 पर. गुड इवनिंग, आई एम मेलिसा एंड आई एम डूइंग माय एमबीए इन आईसीएफआर यूनिवर्सिटी एंड आई एम अ क्रिश्चियन. देयर वाज अ क्वेश्चन रिगार्डिंग द फूड. In the Old Testament, it was said that we do not eat pork, but the New Testament, Jesus said that all food are fit to be eaten. So, the question arises there. Behan ne sawal kiya hai ke Old Testament mein likha hai ke suar ka gosht mat khao, lekin Isa alaihi salam ne New Testament mein kaha ke sab khana aap kha sakte. Ye hai Bible. मैं चैलेंज करता हूं आपको दिखाने के लिए बाइबल में कहां कहा है ईसा अलैहि सलाम ने कि सब खाना जायज है. देयर इज समथिंग लाइक अ रेड लेटर बाइबल सिस्टर. एक रेड लेटर बाइबल है जिसका मतलब जो कुछ ईसा अलैहि सलाम ने कहा है वो रेड इंक में लिखा है, लाल लाल रंग से लिखा हुआ है. और अगर आप रेड लेटर बाइबल लेंगे और तहकीक करेंगे, बहुत कम चीज रेड में लिखी है बाइबल में. रेड मतलब ईसाई के स्कॉलर्स कहते हैं ये ईसा अलैहि सलाम ने कहा, जो ब्लैक में वो ईसा अलैहि सलाम ने कहा. जो सिस्टर जिक्र कर रही है वो कर रही है सेंट पीटर के बारे में, नॉट जीसस क्राइस्ट. ईसा अलैहि सलाम ने कभी भी नहीं कहा कि आप सब कुछ खाओ. एक ख्वाब आता है पीटर को, उस ख्वाब में उसने देखा कि सुअर खाना अच्छी बात है, इसलिए सुअर खाना सही हो गया.
ईसा अलैहि सलाम क्या कहते? ईसा अलैहि सलाम कहते न्यू टेस्टामेंट में गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 17 से 20 तक, जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम सेज इन द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 17-20, थिंक नॉट दैट आई हैव कम टू डिस्ट्रॉय द लॉ ऑफ द प्रॉफिट्स, आई हैव कम नॉट टू डिस्ट्रॉय बट टू फुलफिल, एंड नॉट वन जॉट और टिटल शैल पास अवे अंटिल द लॉ बी फुलफिल्ड, एंड एनीवन who breaks one of the least commandments shall be called least in the kingdom of heaven, and whosoever shall keep the commandment and teach men to do so shall be called great in the kingdom of heaven. Unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and the Pharisees, in no way shall you enter the kingdom of heaven. Sister, this is a verbatim quotation from the Gospel of Matthew, chapter number 5, verse number 17-20 of King James Version. I'm speaking from my head, God-given computer. You can check it up. ईसा अलैहि सलाम कहते हैं, थिंक नॉट दैट आई हैव कम टू डिस्ट्रॉय द लॉ ऑफ द प्रॉफिट्स, मैं नहीं आया हूं पहले शरीयत को तोड़ने के लिए, नष्ट करने के लिए, लेकिन मैं आया हूं उसको मुकम्मल करने के लिए, उसकी तस्दीक करने के लिए. और अगर आप एक भी नुक्ता पुरानी शरीयत का छोड़ते हैं तो आप जन्नत में कभी नहीं जाएंगे. Even if you break one jot or tittle, you shall not enter the kingdom of heaven. Who said that? Jesus Christ, peace be upon him. Ek bhi cheez jo Old Testament mein likhi hai, agar aap usko todte hai, to jannat mein jayenge nahi. Wo to St. Paul aur baaki log aaye aur fir badalne ki koshish ki. Out of the New Testament, sister, there are 27 books in the New Testament. More than 50% have been written by St. Paul. St. Paul is a self-appointed apostle of Jesus Christ, peace be upon him. He hardly met him. Some scholars say he only met him once. So we have to follow the teachings of Jesus Christ, peace be upon him, not of St. Paul. Hame manna chahiye Isa alay salam ka kehna, St. Paul ka nahi. Isaiyat ke baare mein baat kar raha hum main, Paulinity ke baare mein nahi. Sister, agar aapko achha Isai banna hai, तो आपको सुअर का गोश्त नहीं खाना चाहिए. अगर खाएंगे तो जन्नत में नहीं जाएंगे. उसके पहले आपको इबादत करना चाहिए सिर्फ एक खुदा की. मानना चाहिए आखिरी पैगंबर में ईसा अलैहि सलाम ने कहा एक पैगंबर आएंगे जो आपको अच्छी बात समझाएंगे. You have to believe in Prophet Muhammad, peace be upon him. If you don't believe in Prophet Muhammad, peace be upon him, you are not a good Christian. You have to follow the last and final revelation, that is the glorious Quran, and then only can you enter heaven. Hope that answers the question, sister. Mic number 5 se sawal karein. Assalamu alaikum, sir. I am a Hindu. My name is Supriya Patil. My question is that I believe that there is only one God. But as we have been brought up like from the childhood that we have to worship in front of the idols, but there's a good belief in my heart that there is no other God, but there's only one God. And as the Muslims believe, Islam says that there is only the one concept of God. So is it like different if we just bow down in front of the idols, but there's the faith in and belief in the heart that there is only one God? And where in the Vedas is it written that we have to follow the Quran, the Holy Quran? Because if we follow the Vedas, then we can't follow down the path of Islam. So where is it in the Vedas that we have to follow the Holy Quran? Like to be in the similarities. बहन ने दो सवाल किया है. पहला सवाल कि वो मानती है कि खुदा एक है, लेकिन वो दिल में मानती एक लेकिन करती है सिजदा मूर्ति को, तो क्या ये जायज है? मैं कहूँगा मेरे वालिद से, मैं आपको वालिद मानता हूँ, ठीक है? लेकिन दूसरे आदमी को बोलता है तू मेरा पिता है, दूसरी औरत को कहता हूँ कि तू मेरी वालदा है, तू मेरी माता है, और मेरी माता को मैं पूछता भी नहीं हूँ, उसके मुंह देखता भी नहीं हूँ, तो क्या मेरी माता मुझसे खुश रहेंगी? अगर आप मानते एक खुदा तो सही खुदा की इबादत करो, सही खुदा को सिजदा करो. गलत खुदा की इबादत करना शिर्क है. कुरान में लिखा है सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 और सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 116 में लिखा है कि अल्लाह ताला चाहे तो
कोई भी गुनाह माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क कभी भी नहीं माफ करेगा। ये वेद में भी लिखा है, वेद में लिखा है, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 मंत्र नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, वो खुदा की कोई भी प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा संस्कृत में उसके मानी होती है सब कुछ के, फोटोग्राफ, स्कल्पचर, आइडल, सारे चीज को समेटते हैं प्रतिमा की मानी। उस खुदा का ना कोई अक्स है, ना कोई मूर्ति है, ना कोई तस्वीर है। अगर आप बुत परस्ती करते हैं तो आप वेद के खिलाफ जा रहे हैं और कुरान के भी खिलाफ जा रहे हैं। आप सोचे मैं दिल में मानती हूँ खुदा के, लेकिन गलत खुदा की इबादत कर रही है। अगर मैं कहूँगा कि मैं दिल में इज्जत करता हूँ मेरे वालदेन का, माता पिता का, ना उनका मुंह देखता हूँ ना कुछ, दिल में करता हूँ लेकिन खिदमत करता हूँ दूसरे किसकी, तो ये गलत है। हमें सही खुदा की इबादत करना चाहिए। दूसरा, कोई भी गुनाह करे शायद अगर खुदा चाहे तो आपको माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है जो वेद में भी लिखा है, बाइबल में भी और कुरान में। आपका दूसरा सवाल, वेद में कुरान का जिक्र है, और अगर है तो हम दोनों की बात कैसे मान सकते हैं, क्योंकि इख्तिलाफ भी है। बहुत अच्छा सवाल। मैं मानता हूं कि वेद और कुरान में यकसानियत भी है, इख्तिलाफ भी है। अगर आपके पास 10 पॉइंट्स है, 10 चीज है, 10 चीज में आप मानते, मैं 10 चीज में मानता हूं, अगर 5 चीजें मिलते जुलते हैं तो जो चीज मिलते जुलते कम से कम उसके ऊपर तो हम अमल करें। जो इख्तिलाफ है बाद में डिस्कस करेंगे आपसे या मैं से। तालविला कल मितिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जहां पर हम यकसा है। तो मैं ये कहता हूं बहन से कि कम से कम जो वेद और कुरान में यकसा है उसके ऊपर तो अमल करो। पूरे वेद और पूरे कुरान पर आप अमल कर ही नहीं सकते। ये जो लोग इंटरफेथ डायलॉग करते ना कि हिंदुइज्म भी सही, हिंदू धर्म भी सही, ईसाई भी सही और इस्लाम भी सही, ये लोग को बेवकूफ बना रहे। अगर सवाल होता है कि 2+2=3, 2+2=4, 2+2=5, ये कुछ मैथमेटिक्स है? ये जानते ही नहीं धर्म के बारे में। मैं ये कह रहा हूं जो यक्सा है, तो आपके वेद में लिखा हुआ है कि एक आखिरी पैगंबर आएगा, अंतिम ऋषि जिसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो एक पैगाम को लेके आएगा जो कुरान का जिक्र है वेद में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। और वेद के स्कॉलर्स अक्सर कहते हैं कि वेद आज की तारीख में प्योर फॉर्म में नहीं है। बिब्लिकल स्कॉलर्स बोलते हैं बाइबल इज नॉट इन द प्योर फॉर्म, पूरा मुकम्मल तौर पे इसमें मिलावट है, वेद में भी मिलावट है। लेकिन स्कॉलर्स ये कहते हैं कुरान मजीद में कोई भी मिलावट नहीं है। अगर मैं आपको एक ग्लास दूंगा पानी का और उसके अंदर एक कतरा डालूंगा गटर के पानी से और मिला लूंगा, आपको नहीं पता तो शायद पी लेंगे। आपके सामने जब डालूंगा तो क्या आप ग्लास का पानी पियेंगे? पियेंगे नहीं पियेंगे। आप जानते हैं कि उसमें एक कतरा मिलावट है, गटर का पानी है। नहीं देखेंगे, मिल जाएगा, रंग से पता नहीं चलेगा, शायद पी लेंगे। जब पता लग गया तो कौन पीगा? उसी तरीके से ये वाहिद किताब है जो कभी बदली नहीं जा सकती, क्योंकि खुदा ने खुद कहा इस किताब के अंदर सूरह हिजर में सूरा नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि हमने ये किताब नाजिल की कुरान शरीफ और हम इसकी हिफाजत करेंगे, और इसकी हिफाजत खुदा करेंगे, हम चाहे तो भी बदल नहीं सकते। माइक नंबर 1 से बराए करम सवाल करें। आई एम सुरेश चोपड़ा फ्रॉम स्कॉलर बैच 7। माई क्वेश्चन इज देयर एनी रेफरेंस और प्रूफ ऑफ जजमेंट डे इन रिलीजन्स अदर देन इस्लाम? भाई साहब ने पूछा कि जजमेंट डे का जिक्र है कुरान के अलावा बाकी किताबों में, बिल्कुल सही है। मैंने कल जिक्र किया था कि हिंदू मजहब में भी लिखा है, हिंदू मजहबी किताब में वेद में लिखा है कि इम्तिहान होगा, फिर स्वर्ग और नरक में जाएंगे। बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा है कि डे ऑफ जजमेंट का, कुरान में लिखा है, कुरान में लिखा है सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 185 में, कुल्लू नफ्सिन ज़ायकतुल मौत, एवरी सोल शैल हैव अ टेस्ट ऑफ डेथ, हर नफ्स मौत को चखेगा। लेकिन फाइनल जजमेंट, फाइनल हिसाब किताब होगा आखिरत में, और जो कोई आग से, दोजख से बच जाता है और जन्नत में जाता है वो ही सफलता पाता है इस जमीन पर, इस दुनिया में। तो हिंदू धर्म किताब में भी लिखा है, बाइबल में भी लिखा है और कुरान में भी लिखा है।
माइक नंबर दो से सवाल करें। माय नेम इज सागर सूर्यकांत वाघमारे। माय क्वेश्चन टू यू इज दैट द बुक सेंट बाय द गॉड फॉर दैट पीरियड बट वेयर इट इज रिटर्न दैट कुरान इज द लास्ट बुक सेंट बाय द गॉड। मैं साहब ने अच्छा सवाल पूछा है कि कुरान में कहां लिखा है कि कुरान इज द लास्ट बुक सेंट बाय गॉड। बहुत अच्छा सवाल है। बाकी किताबें सिर्फ अपने लोग के लिए भेजी गई थी। मैं बाइबल का जिक्र कर चुका हूँ, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 24, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 5-6। कुरान में जिक्र आता है सूरह अहज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 में, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातिमुन नबीयीन व काना अल्लाह बिकुल्ली शैइन अलीमा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मर्दों में से किसके पिता नहीं है, लेकिन वो अल्लाह के रसूल है और खातिमुन नबीयीन है, आखिरी नबी है, और अल्लाह सबसे बेहतर जानने वाला है। किताब नाजिल करने के लिए जरूरत है एक रसूल की, तो जब रसूल ही नहीं आएगा तो किताब कैसे आएंगी। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा है कुरान में कि वो आखिरी नबी है, आखिरी रसूल है, उसके बाद किताब तो नाजिल हो ही नहीं। इट्स अंडरस्टूड, बोलने की जरूरत नहीं। आखिरी नबी आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, इसीलिए आखिरी नबी सारे इंसानियत के लिए भेजे गए थे, और कुरान में जिक्र आता है कुरान भी सारी इंसानियत के लिए भेजा गया है। बाकी जितने किताबें हैं कुरान में लिखा है कि सिर्फ भेजे गए थे अपने लोग के लिए, पैगंबर भी और वो कलाम भी, लेकिन कुरान मजीद जैसे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी इंसानियत के लिए थे, कुरान भी सारी इंसानियत के लिए। इसका जिक्र है सूरह इब्राहिम में सूरह नंबर 14 आयत नंबर 1, सूरह इब्राहिम सूरह नंबर 14 आयत नंबर 52, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 185, सूरह ज़ुमर चैप्टर नंबर 39 वर्स नंबर 41। और भी हवाला दे सकता हूं मैं, लेकिन ये काफी है। माइक नंबर 3 से सवाल करें। माय नेम इज राकेश भोसले, आई एम अ फार्मेसी स्टूडेंट। माय क्वेश्चन इज कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स एंड लाइफ ऑन द बेसिस ऑफ इस्लाम। भाई साहब ने सवाल पूछा है कि कैन यू एक्सप्लेन द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स ऑन द बेसिस ऑफ इस्लाम, ये कायनात किस तरीके से कायम हुआ इस्लाम के नजरिए से। आज साइंस क्या कहती, पहले वो तस्किरा करूंगा मैं। साइंस कहती है कि कायनात कायम हुई बाय बिग बैंग। पहले ये कायनात वो द प्राइमरी नेबुला एक थी, उसके बाद एक धमाका हुआ, उसके बाद आए गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स, सन, मून और ये जमीन जिस पे हम रह रहे हैं, इसे कहते हैं बिग बैंग। और इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था कुछ साइंटिस्ट को 40-50 साल पहले। कुरान में इसका जिक्र है सूरह अल अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 में, इसमें लिखा है डू नॉट द अनबिलीवर्स सी अवलम यर लजीन कफरू, के काफिर लोग नहीं जानते, अनबिलीवर्स नहीं जानते, अवलम यर लजीन कफरू अन्न समावाती वल अर्दा कान दरत कर सकता हूं मां के द हेवन एंड द अर्थ, ये जमीन और आसमान एक थे और अल्लाह ने इन्हें सेपरेट किया, तफरका, इन्हें छुटा दिया, दे सेपरेटेड। तो कुरान की आयत जो है सूरह अंबिया की सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 बिग बैंग इन अ नटशेल है। तो जिस तरीके से कुरान जिक्र करता है 1400 साल पहले, साइंस आज नहीं कल बोल सकते, यस्टरडे, 50 इयर्स बैक, 40 इयर्स बैक, 40 साल पहले, 50 साल पहले, आज साइंस मानती है किस तरीके से कायनात वजूद में है। और इसका जिक्र अल्हम्दुलिल्लाह कुरान में 1400 साल पहले है। मैंने एक तकरीर किया हूं कुरान एंड मॉडर्न साइंस कंफ्लिक्ट और कंसिलेशन, और इसमें डिटेल में साइंस के बारे में बात किया हूं कि जो चीज साइंस आज जान रही है कुरान में इसका जिक्र है 1400 साल पहले, क्योंकि कुरान इज फार सुपीरियर टू साइंस, क्योंकि कुरान का लेखक ऑथर इस जमीन को बनाने वाला है, वो हमसे आपसे और हमसे और अच्छा जानता है। माइक नंबर 4 खवातीन के शोबे से सवाल करें। आई एम अमरीन, आई एम अ स्टूडेंट। आई वुड लाइक टू आस्क दैट द ओनली डिफरेंस बिटवीन मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस इज दैट क्रिश्चियंस बिलीव दैट देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ अ सन एंड अ फादर बिटवीन जीसस क्राइस्ट एंड गॉड। So, and when we try to approach them regarding this,
they do not believe. So what should we say? मेन का सवाल था जब वो क्रिश्चियन से बात करते हैं वो कहते हैं कि ईसा अलैहि सलाम खुदा के बेटे हैं और मानते खुदा के बेटे हैं तो किस तरीके से उनके साथ हम बहस कर सके या उन तक पैगाम पहुंचाए। अगर हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल हैज गॉट सन्स बाय द टन्स। बाइबल में लिखा हुआ है कि आदम अलैहि सलाम अल्लाह के बेटे थे। बाइबल में बहुत से बेटे अल्लाह के, बाइबल में लिखा है आदम अलैहि सलाम अल्लाह का बेटा था, इसराइल अल्लाह का बेटा था, एफ्रेम अल्लाह का बेटा था। एंड बाइबल में लिखा है बुक ऑफ रोमन्स में चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 14 में, ऑल दोज आर लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड दे आर सन्स ऑफ गॉड। जो कोई अल्लाह की बात मानता है वो अल्लाह का बेटा है। तो कहने के लिए हम कहते हैं ना अल्लाह का बंदा है, अल्लाह मियां की गाय है। तो उस तरीके से कोई कहता है कि ईसा अलैहि सलाम अल्लाह का बेटा है, हमें कोई एतराज नहीं उस सेंस में, उस सेंस में जिस सेंस में वो अल्लाह की बात मानता है, इसीलिए अल्लाह का नेक बंदा है। तो उस तरीके से बाइबल में कई अल्लाह के बेटे हैं, खुदा के बेटे। लेकिन ईसाई कहते नहीं नहीं नहीं, जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम खुसूसन बेटा है, ही इज द बिगॉटन सन। और वो कोट करते हैं गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16 में, फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन, हूसोएवर बिलीवेथ इन हिम शैल नॉट डाई बट हैव एवरलास्टिंग लाइफ। बाइबल में और भी बिगॉटन सन है, लेकिन जब मैं पूछता हूं ईसाई से बिगॉटन की मानी क्या है, वो ईसाई जवाब नहीं देता है। क्यों? जो अंग्रेजी जानता है वो चुप हो जाएगा। बिगॉटन मतलब सायर्ड बाय गॉड, बिगॉटन मतलब ये बिगॉटन जो चीज है, जन्ना। जन्ना किसे कहते? वो जन्ना जानवरों की चीज है, सेक्स। इट बिलोंग्स टू द फंक्शंस ऑफ सेक्स ऑफ द लोअर एनिमल्स। ये खुदा के लिए कभी इस्तेमाल कर ही नहीं सकता कोई भी। इसीलिए कुरान में लिखा है ना वो किसी को जनता है ना किसी से जना है। और ये लव जो बिगॉटन है गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स नंबर 16 में, अकॉर्डिंग टू द रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ द बाइबल रिवाइज बाय 32 एमिनेंट क्रिश्चियन स्कॉलर्स बैक्ड बाय 50 डिफरेंट कॉर्पोरेट डिनोमिनेशंस। ये रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन एक नया एडिशन है, रिविजन है बाइबल का, जिसने 32 माहिर ईसाई स्कॉलर्स मिलके इसको रिवाइज किए, इसको सुधारे, और 50 बड़े क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजर्स ने सपोर्ट किया। ये बाइबल सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है, रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन। इसमें ये स्कॉलर्स लिखते हैं कि ये लव्स बिगॉटन इज एन इंटरपोलेशन, इज अ कंकॉक्शन, इज अ फैब्रिकेशन, वो एक मिलावट है, उसे बाइबल के बाहर फेंक दिया। तो आप रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन पढ़ेंगे बाइबल का, ये लव बिगॉटन है ही नहीं, क्योंकि कुरान में साफ तौर पे लिखा हुआ है लम यलिद वलम युलद, सूरह इख्लास में सूरह नंबर 112 आयत नंबर 3 में, वो ना किसी को जनता है ना किसी से जना है। तो जो वर्स के जरिए, जो लफ्ज के जरिए क्रिश्चियन लोग बात करते, वो लफ्ज क्रिश्चियन स्कॉलर्स कहते ये मिलावट है और बाइबल के बाहर फेंक दिए है। माइक नंबर 5 से सवाल करें। Assalam alaikum, Mr. Zakir Naik and all people around here. My name is Bhavna Nalavde. I'm a Hindu. I have a question regarding music in the Holy Quran. Is it mentioned anywhere in the Holy Quran that listening to music, I'm not saying watching music, but listening to music is haram? And if it is so, Mr. Bismillah Khan, ek mashhoor fankar hai, he has an argument with someone that listening to music is very soulful and relaxing to the soul. So if you could please defend or have an argument about this, that how is listening to music haram? Thank you very much. Ben ne sawal kiya hai ki Quran mein koi ayat hai jisme likha hai ki music haram hai? Quran mein likha hai atiullah atiur rasul, obey Allah obey the message. Allah ki baat mano, Allah ke rasul ki baat mano. तो कुरान या सही हदीस में मौजूद है, हमें मानना चाहिए। कुरान में डायरेक्ट वर्स नहीं है कोई साफ अल्फाज से कि म्यूजिक हराम है, इनडायरेक्ट है। लेकिन अल्लाह के रसूल की हदीस में है, सही हदीस में लिखा है कि सिर्फ डफ, डफ होता है वन साइडेड ड्रम, डफ अलाउड है, उसके अलावा
बाकी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हराम हैं, ये साफ तौर पे लिखा है। अभी आपका आर्ग्यूमेंट है कि बिस्मिल्लाह खान साहब कहते हैं कि म्यूजिक की सूदिंग फॉर द सोल, मेरा दोस्त कहता है शराब भी सूदिंग फॉर द सोल है, शराब से मुझे सुकून मिलता है। ठीक है भाई, आपको सुकून मिलता है लेकिन उससे नुकसान ज्यादा है। तो म्यूजिक क्यों हराम करार क्या है? इट इंटॉक्सिकेट्स। कुरान में लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 2 सूरह अल बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 219, शराब में फायदे भी है नुकसान भी है, अल्लाह ताला जानता है, अल्लाह ताला सब कुछ जानता है। कुरान में लिखते हैं अल्लाह ताला कि शराब में फायदे भी है नुकसान भी है, लेकिन नुकसान फायदे से ज्यादा है। तो मैं मानता हूं हो सकता है कि कुछ लोगों को फायदा हो म्यूजिक से, देयर इज म्यूजिक थेरेपी आल्सो। कुरान में एक सूरह शोरा है पोएट्स, कुरान शरीफ शायरी और गाने के खिलाफ है, हराम नहीं कहता है लेकिन अक्सर खिलाफ है। क्यों? जब हम शेर शायरी करते हैं अक्सर इतनी शेर शायरी करते हैं कि शिर की तरफ जाते हैं। मैं अगर राजा की तारीफ कर रहा हूँ इतनी तारीफ करता हूँ कि उसको खुदा से मिला लेता हूँ। कुछ लोग नात पढ़ते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, नात पढ़ना अच्छी बात है, भेग जाते उसको अल्लाह से मिला देते हैं, वो भी आराम है। कहते मैंने एक अरब देखा बिना ऐन का, अरब देखा बिना ऐन का मतलब रब को देखा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह से मिलाना भी आराम है, ईसा अलैहि सलाम को तो मिलाए भी आराम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी। हम उनसे प्यार करते हैं मोहब्बत करते हैं लेकिन अल्लाह से नहीं मिला सकते। इसीलिए 5 बार अजान में हम सुनते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलल्लाह, हम इबादत करते सिर्फ अल्लाह की और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल है, उसके बंदे हैं, अल्लाह नहीं है। तो बिस्मिल्लाह खान जो कहते हैं हो सकता है कि किसको सुकून पहुंचता होगा, लेकिन जब हम म्यूजिक लेते हैं अक्सर क्या होता है म्यूजिक के अंदर एक इंसान भेग जाता है। हम गाने सुनते ना, वो हीरो हीरोइन से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए चांद तोड़ के लेके आऊंगा, सितारे तोड़ के लेके आऊंगा, ये हम जानते हैं सही नहीं है तो भी हम गुनगुनाते, वो क्यों म्यूजिक होती है? हम जानते कौन चांद या तारे तोड़ के कौन लेके आ सकता है, हम जानते कितने अल्फाज हम जब सुनते ये गाने के बकवास है लेकिन फिर भी गुनगुनाते, नहीं सुनना चाहते तो भी सुनते, घर के बाहर भोंगा लगाए 1 2 3 क्या 1 2 3 नहीं सुनना चाहते फिर भी सुनना। तो म्यूजिक में क्या होता है कि म्यूजिक कभी कभी मन को बहा लेता है, सही कह रहे बिस्मिल्लाह साहब, इतना बहा ले जाता है कि शिर्क भी करते तो हम कहते सही है, हम इस्लाम से दूर जाते फिर भी उसे गुनगुनाते। इसीलिए इस्लाम में म्यूजिक जो आपको गलत जगह पे लेके जाता है, डफ के अलावा बाकी सब इंस्ट्रूमेंट्स इस्लाम में हराम है। एक नंबर माइक से सवाल करें अगर कोई हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं तो। मैं गैर मुस्लिम राजेश पवार आपसे सवाल करना चाहता हूँ, इब्राहिम नबी ने भी हज किया है और मोहम्मद नबी ने भी हज किया है, क्या ईसा नबी ने भी हज किया है? मैंने अच्छा सवाल किया है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हज किए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किए, क्या ईसा अलैहिस्सलाम ने हज किया? मैं खुद कोई आयत नहीं जानता हूँ कुरान में जिसमें कहा गया है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने हज किया, ना कोई डायरेक्ट रेफरेंस है बाइबल में कि ईसा अलैहिस्सलाम ने हज किए, लेकिन बाइबल में ये जिक्र है कि जो कोई मक्का की वादियाँ में जाता है उसके ऊपर सलामती रहती है। ईसा अलैहिस्सलाम ने किए कहने में ये नहीं जानता हूँ, लेकिन ये कहना कि सारे पैगंबरों ने हज किया कहने ये मैं नहीं जानता हूँ। इस्लाम में अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने के बाद हज फर्ज है, अभी मुसलमान को अगर वो हैसियत रखता है माली हालत से या सेहत से उसे कम से कम एक बार तो हज करना चाहिए, उसके लिए फर्ज है। प्रॉब्लम से कुछ नहीं। दो नंबर माइक से सवाल करें। मैं जेम्स शिंदे पिंपरी से आया हूँ और मैं एक बजाज का VRS लेके एक पर्सन हूँ, VRS लिया हूँ बजाज से, और मैं कल ही अपने एक दोस्त से इस्लाम दोस्त से मैं सुना कि जाकिर साहब यहाँ पर आए हैं और वो सब हिंदू धर्म के बारे में और क्रिश्चियन के बारे में जो समानता है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो मैं कल यहाँ 6 बजे आया था और 6 बजे से मैं आपकी सारी बात सुनी, मुझे बहुत आनंद हुआ
और आज भी मैं दूसरे दिन भी समय के पहले यहाँ आया हूँ और आपकी सारी बात सुनी, मुझे बहुत ही खुशी है। और मैं इस सब बात के लिए अल्लाह का शुक्रगुजार करता हूँ कि अल्लाह ने आपको जो भी कुछ ज्ञान दिया है सचमुच आज के युग में बहुत ज़रूरी है। और मैं एक सवाल आपको इस बारे में यही पूछना चाहता हूँ कि मैं क्रिश्चियन आदमी हूँ, मैं जीसस को मानता हूँ और उसके वचनों को मैं पढ़ता हूँ, और जब भी आपकी बात सुनी और उसमें से कुछ सवाल, एक ही सवाल मेरे मन में आया है और वो सवाल मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि गॉस्पल जो है जॉन का गॉस्पल, उसका जो 5वां अध्याय है उसमें 19 से लेकर 29 वचन जो है जो मैं पढ़ चुका हूँ, मेरे हाथ में मराठी बाइबल है, मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। आप जो आपके पास जो बाइबल है, इंग्लिश बाइबल है, वो पढ़िए सबके सामने और उसका थोड़ा सा जो अर्थ है मुझे बताइए ताकि मैं उसमें खुश हो जाऊं कि सचमुच वो वचन क्या है। मैं साहब यहाँ तकरीर में आने की खुश हुए और मैं भी खुश हूँ कि आप आए इधर। आप ईसा अलैहि सलाम में मानते हैं, मैं भी मानता हूँ। फ़र्क ये है कि ईसा अलैहि सलाम ने क्या कहा। आपने कहा कि बाइबल पढ़ो, मैं पढ़ सकता हूँ। आप खुद अगर पूछेंगे सवाल क्या पूछना चाहते, मैं पढ़ सकता हूँ 19 से 29 तक, बट काफ़ी वक्त लगेगा। आपका सवाल क्या है आप पूछ रहे हैं, मैं जवाब दूंगा। आपका सवाल क्या है? सवाल जो है उस 10 वचनों में है, 19 से लेकर 29 तक जब पढ़ेंगे तो उसी में सवाल है और उसका जवाब भी उसी में है। लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि असल में वचन क्या समझाते हैं हमको। सवाल पूछिए अपना, सवाल क्या है? वचनों में ही सवाल है, वचनों में ही जवाब है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा अगर आप पढ़ के सुनाए और उसका अगर सबको समझाए तो बहुत ही अच्छा होगा। आपने कहा गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 19 से लेकर 29 तक। 19 से लेकर 29 तक, हाँ, 10 वचन 19 से लेकर 29 तक। 19 से 29 तक, यस, ठीक है। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 19 में लिखा है, ये बीच में से शुरू हो रहा है। देन आंसर्ड जीसस एंड सेड अनटू देम, वेरीली वेरीली आई से अनटू यू, द सन कैन डू नथिंग ऑफ हिमसेल्फ बट वॉट ही सीज द फादर डू, for whatsoever things he doth, there also doth the son likewise. For the father loveth the son, and showeth him all things that he himself doeth. And he will show him greater works than these, that he may marvel. For as the father raiseth up the dead, and quickeneth them, even so the son quickeneth whom he wills. For the father judgeth no man, but hath committed all judgment unto the son, that all men should honor the son, even as they honor the father. He that honoreth not the son, honoreth not the father who hath sent him. Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word, and believeth in him that sent me, hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. Verily, verily, I say unto you, the hour is coming, and now is, when the dead shall hear the voice of the Son of God, and they shall hear, shall live. For as the Father hath life in himself, so hath he given to the Son to have life in himself, and hath given him authority to execute judgment also, because he is the Son of Man. Marvel not at this, for the hour is coming in which all that are in the graves shall hear his voice, and shall come forth. They shall have done good unto the resurrection of life, and they have done evil unto the resurrection of the damnation. Ye jo verses maine padhi, मैं कहूँगा कि जो मैं तकरीर किया हूँ, कई बात जो मैं तकरीर की इसमें लिखा है कि ईसा अलैहि सलाम खुदा के, जो इसमें लफ्ज़ लिखा है बेटा, मैंने कहा पहले बेटा के मानी खुदा को मानने वाला, बेटे बहुत है, आदम अलैहि सलाम बेटा है, बाइबल में लिखा है इफ्रेम, इज़राइल, आइज़ैक, बहुत बेटे, लेकिन बेटा वो नहीं जना हुआ बेटा। तो अगर बाइबल में लिखा है whoever is led by the spirit of God is son of God, जो भी अल्लाह की बात मानता है अल्लाह के बेटे। आप खुदा की बात मानते हैं तो बाइबल के हिसाब से आप भी बेटे, मैं अल्लाह की बात मानता हूं मैं भी बेटा हूं, लेकिन बिब्लिकल तरीके से, नॉट जनावा बेटा, ठीक है। तो इससे साफ जाए, इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप खुदा को मानते हैं तो इस बेटे की बात मानो, वही तो मैं कर रहा हूं। लेकिन जो बेटा कहा पहले उसका जांच पड़ताल तो करें हम, जो पॉल कह रहा है उसकी बात थोड़ी मानना चाहिए, हमें मानना चाहिए जो ईसा अलैहि सलाम ने कहा। और इसमें लिखा है कि उनने मुर्दों में जान डाली, ये तो कुरान में भी लिखा है और मैं तकरीर में कहा। हम ये मानते हैं जो मॉडर्न क्रिश्चियन नहीं मानते कि ईसा अलैहि सलाम ने मुर्दों में जान डाली अल्लाह की मदद से, मैं कहूं
तो जो कुछ मुख्तसरन सा इस 10 वर्सेस में लिखा, मैं अक्सर चीज जो लिखे मानता हूं, लेकिन उसको समझने का ढंग अगर आप गलत तरीके समझते, वो बेटा मतलब जनावा बेटा है, तो आप गलती कर रहे, आप बुरी बाइबल पढ़े ही नहीं, आप समझ रहे ना। तो सही तरीके से समझना इंपॉर्टेंट है इन कॉन्टेक्स्ट। तो आप मानते हैं कि ईसा अलैहि सलाम अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर थे, और कई बार जिक्र है, आप गॉस्पेल ऑफ जॉन पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, यही जॉन में लिखा है, यही जॉन में लिखा है, चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 6 में, आई एम द वे द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो मैन कमिंग अनटू द फादर बट बाय मी, आई एम द वे द ट्रूथ एंड द लाइफ, मैं ही तरीका हूं, सच्चा तरीका, आपको जिंदगी मिलेंगी, जो आदमी मेरे तरीके पे चलता है वही सही तरीका है, आई एम द वे द ट्रूथ एंड लाइफ, नो मैन कमिंग अनटू द फादर बट बाय मी, आप खुदा को पूछना चाहते हैं तो मेरे तरीके पे चलिए। ये वर्स को लेते बाइबल को कहते हैं कि ईसा अलैहि सलाम ने कहा कि वो खुदा है, गलत फहमी है, सही जानना चाहते कॉन्टेक्स्ट पे जाइए, यही गॉस्पेल ऑफ जॉन जिसकी बात कर, आगे की बात कर रहा हूं मैं, उसके अंदर ईसा अलैहि सलाम कहते हैं चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 1 में, उसमें लिखा है कि आप अगर खुदा में मानते हैं तो मुझमें भी मानो, मेरे खुदा का घर बहुत बड़ा है और बहुत से कमरे हैं, मैं वहां जा रहा हूं आपके लिए जगह बनाने के लिए, और आप जानते हैं मैं कहां जा रहा हूं, तो फिलिप, आप फिलिप को जानते ना, फिलिप, फिलिप कहता है आप कहां जा रहे हैं, मैं नहीं जानता हूं, तो ईसा अलैहि सलाम कहते हैं आई एम द वे द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो मैन कमिंग टू द फादर बट बाय मी, अने मैं ही वो सही तरीका हूं, अच्छा तरीका हूं, आप खुदा को मेरे तरीके अलावा पहुंच नहीं सकते, और मैं इस बात पे मानता हूं, हर वक्त हर रसूल के वक्त वही रसूल सही तरीका बताता है, एट द टाइम ऑफ मोसेस, मोसेस वाज द वे द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो मैन केम अनटू द गॉड बट थ्रू मोसेस, पीस बी अपॉन हिम, एट द टाइम ऑफ जीसस क्राइस्ट, पीस बी अपॉन हिम, जीसस क्राइस्ट वाज द वे द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो मैन केम अनटू ऑलमाइटी गॉड बट थ्रू द वे ऑफ जीसस क्राइस्ट, पीस बी अपॉन हिम, बट टुडे is the time of Prophet Muhammad, peace be upon him. Prophet Muhammad, peace be upon him, is the way and the truth and the life. No man commit unto Almighty God, but by the way of Prophet Muhammad, peace be upon him. So, I believe that what Isa alayhi salam said in his day, they were Allah's prophets. We honor them. But they said that there is another prophet coming. That is the Gospel of John. You are talking about 5th, I have reached 14th, I have reached 16th. I am reading from the Bible, I am talking from my brain. Gospel of John, chapter number 16, वर्स नंबर 12-14 में लिखे, मैं आपसे सब कुछ अभी नहीं कह सकता हूं क्योंकि आप नहीं समझेंगे, जब वो आदमी आएगा हक का रूह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो रहा है, वो आपको सारी सच्चाइयां बताएगा और मेरी तारीफ करेगा। इसीलिए ईसा अलैहि सलाम ने भी कहा आपको मानना चाहिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, अगर आप सच्चे क्रिश्चियन हैं। इसीलिए मैं कहता हूं मैं ईसाई से बेहतर ईसाई हूं, लेकिन आपको अच्छा बेहतर ईसाई बनना है तो कुरान में मानना ही पड़ेगा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मानना ही पड़ेगा।